लगातार तालियों के सहारे, करतल ध्वनि के सहारे हार्दिक स्वागत और प्रवास बलदेव नगर बाड़मेर की अधीक्षक श्रीमती अमृता जी कौर भी हमारे बीच में है, आपका भी जोरदार तालियों के सहारे स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप तमाम मोतियों से महंगे अतिथि वृंदों का, मातृशक्ति का, ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान बाड़मेर की ओर से हार्दिक स्वागत और भावभीना अभिनंदन। और शब्दों से स्वागत देवी जी, अध्यक्ष ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान बाड़मेर, हिंदुस्तान के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति महोदय के घर कमलों से हिंदुस्तान का सर्वोच्च नारी सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2018 था। इससे दूसरी कैटेगरिया वो पदम कैटेगरिया होती है, पर महिलाओं के लिए ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो अपने लिए गौरव की बात कि बाड़मेर में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार प्राप्त महिला, ये महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय के द्वारा बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं हम और मेरी बहनें सब। उनके हाथ के मेहनत के कारण आज जो ये राष्ट्रपति जी के हाथों से जो सम्मान मिला है, ये हमारी सब महिलाओं की मेहनत के लिए मिला है, जो ये एक मेरा नहीं है। और मैं सोचूंगी कि इससे प्रेरणा लेके और बहनें आगे बढ़े और कई बहनें जो ये पुरस्कार प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री जी बहुत खुश हुए कि आपका काम मैंने पूरा पढ़ा और पूरा स्टडी करके आपके पास आपसे मिलने आया हूँ। और सौभाग्य है आज मेरा कि आपसे मिलना हो पा रहा है। कल ही आचार संहिता लगने वाली है और नहीं मिलना होता, लेकिन आज आपके जो काम के बारे में मैंने पढ़ा सुना बहुत ही अच्छा है। और आप महिलाएं ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपना काम जारी रखें। हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि अपन इतना काम कर पाएंगे। जब शुरुआत की थी हमने 10 महिलाओं ने मिलके, उस टाइम ने हमको बिल्कुल ये भी उम्मीद नहीं थी कि अपन बाड़मेर से बाहर जाके ये काम कर पाएंगे। लेकिन जब हमने पूरे देश में और विदेशों में जाके अपने काम की प्रदर्शनी दी, तो बहुत मतलब हम सौभाग्य है कि आज हमें ये पुरस्कार मिल रहे हैं। और जो इंडिया टुडे के कवर पेज पे आया है, तो इसके लिए हमने सोचा कभी नहीं था, लेकिन हम तो काम में जुटे रहे तभी ये संभव हो पाया। शुरुआत में हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन कठिनाइयों को कठिनाइयों के सामने नहीं देखते हुए हमने हमारी मंजिल के सामने ही कदम रखा और उनके उसमें जुटे रहे। आज इसीलिए हमें ये सौभाग्य है कि आज हम राष्ट्रपति जी के हाथों से पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। और आगे मैं उम्मीद करूंगी कि मैं ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे हम। और महिलाओं के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी बहनें पढ़ाई लिखाई करें। और सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि जो बेटियों को जन्मते ही मार दिया जाता है, लेकिन वो नहीं हो तो सबसे अच्छा यही सहयोग रहेगा मेरी बहनों से कि बेटियों को जन्म से प्रवेश करें, जैसे बेटों के करते हैं वैसी उनकी भी हो, वैसी उनकी भी पढ़ाई लिखाई हो। और संस्कार बच्चियों को ऐसे संस्कार मिले जिन्हें आगे भविष्य में उन्हें कभी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।